उस छल किए जा। Keep it here। अच्छा सोमया, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है, 15-20 मिनट लगेंगे, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। ओके ओके। जी कहिए ना। मैम मेरी जॉब बचा लीजिए आप। देखिए अरमान सर ने रिजॉर्ट के ओनर को मेरी कंप्लेन कर दी है। एक्चुअली प्रेसिडेंशियल ट्वीट अवेलेबल नहीं था और मैंने कमिट किया था। मैम मैडम मेरी फैमिली है, मैडम प्लीज प्लीज मैडम मेरी जॉब सब प्लीज प्लीज आप ये सब मत कीजिए। आप अब मुझे बताइए मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। आप या अरमान सर इस फॉर्म पे साइन कर दें कि आपको कोई कंप्लेन नहीं है तो मेरी जॉब बच जाएगी। मैम मेरी बेटी की अगले महीने शादी है। मैम क्यों इसको बेच रहे हो? आज बैंक की किस्त चुकानी है और अगर वो किस्त नहीं चुकाई तो बैंक वाले घर आ जाएंगे। जिंदगी में बहुत बार गिरा हूं मैं भैया, पर अपनी बेटियों की नजरों में नहीं गिरना चाहता उनका पापा। प्लीज साइन कर दीजिए। परेशान मत होइए, आप दीजिए मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू मैम। आई एम योर हस्बैंड, कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो। आई नो आपको बुरा लगा होगा कि मैंने आपको बिना पूछे वो कंप्लेंट फॉर्म पर साइन कर दी, पर मिस्टर मिश्रा मैं कैसे समझाऊं अरमान को? I'm back. कोई आया था क्या? बेल बजी थी? हाँ अरमान, वो मैनेजर आए थे। Of course. उसे तो आना ही था। होटल के ओनर को कॉल जो किया था, क्या कह रहा था? वो अरमान, एक्चुअली मैंने किसी चीज कर दी है जिससे आपको बहुत बुरा लगेगा। And I am sorry for that. एक्चुअली मैंने वो नो कंप्लेंट फॉर्म में साइन कर दिया जिस पर मेंशन किया था कि हमें इस रिसॉर्ट से और इस रिसॉर्ट के मैनेजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो कि आपको ये रूम ये सूट अच्छा नहीं लगा, लेकिन अरमान वो मिस्टर मिश्रा वो मैनेजर वो बहुत परेशान थे। अरमान उनकी जॉब चली जाती, अगले महीने उनकी बेटी की शादी थी, जब वो मुझे सॉरी बोल रहे थे, जब वो लाचार बेबस थे तो मुझे मेरे सामने मेरे पापा दिखाई दिए। मैं उन्हें देख नहीं पाई ऐसे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक मिडिल क्लास फादर की क्या सिचुएशन होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बेबसी होती है। आई कुड जस्ट अंडरस्टैंड। अरमान आपको बुरा लगा होगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन उस वक्त जो मुझे समझ आया, जो मेरे दिल में आया, मैंने वही किया और मैंने उस नो कंप्लेंट फॉर्म पर साइन कर दी। तुम्हारी ये जो सादगी है ना, इसी पे तो इतना प्यार आता है मुझे। अब तुमने जो कर दिया है उसके बारे में क्या सोचना, क्यों सॉरी फील करना? इट्स डन नाउ। बिलो एवरेज है ये स्वीट थोड़ा, लेकिन एडजस्ट कर लूंगा मैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके, क्योंकि अगर तुम हैप्पी तो मैं हैप्पी। अरमान आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? You know what? मॉर्निंग से बहुत स्ट्रेस्ड हो तुम,
इसलिए तुम्हारे लिए मैंने स्पा बुक कर दिया। एक सुपर्ब सी मसाज लो और रिलैक्स फील करो। एंड या एक फेशियल भी करवा लो। स्किन थोड़ी पैची और डल सी लग रही है। तुम्हारी स्किन हमेशा ग्लो करनी चाहिए। तुम्हें देख के कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मिडिल क्लास लड़की है जो धूप में घूमती है, बसों में घूमती है। यू मिसेस अरमान ओब्रॉय, हर वक्त प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। तुम फेशियल करवाओ तो सही, देन यू विल सी द डिफरेंस। फेस बिल्कुल ग्लो करने लग जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर कपल मसाज। कपल मसाज? जी। रिलैक्स, मैंने ना पूरा स्पा बुक कर दिया है, तो हमारी प्राइवेसी को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। Excuse me. Hello sir. Hello ma'am. We have an appointment for Mrs. Oberoi. Yeah, right sir. Please come this way. Sure. Relax my foot. तुमने जो बिना पूछे नो कंप्लेंट फॉर्म साइन किया है उसकी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। मैडम ये कौन सा फेशियल है? मैंने आज के पहले करवाया है, लेकिन ये इस पर तो मेरी सांस घुटन हो रही है, मुझे सांस भी नहीं ले पा रही अच्छे से, और ये धीरे धीरे सख्त होते जा रहा है। मैम रिलैक्स, आप बस हाफ एन आवर वेट कीजिए। एंड यहाँ पर बेल रखा है, आपको जब भी लगेगा आपका मास्क ड्राई हो गया है आप प्रेस कर देना। एंड फेशियल के बाद आपका हॉट स्टोन मसाज होगा, तो मैं हॉट स्टोन को वार्म करने के लिए रखने जा रही हूँ। ओके मैम। हे भगवान, सब कितना अजीब है। अरे सर, मैं सोल्यूशन लेके आ रही हूँ, दो मिनट। और आपके इस प्रेस्टीजियस होटल में कोई डॉक्टर मिलेगा? यस सर। अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया ना, आई विल सू यू गाइस। सर सर, सॉल्यूशन है सर। बस बस सर, हो गया हो गया। वेट वेट। यस सर। ओके। सोम्या, सोम्या, प्लीज कॉल द डॉक्टर। सौम्या, सौम्या,
What the hell do you mean? क्या चेक किया था? इतना केयरलेस कैसे हो सकता है आपका स्टाफ? गॉड नोज अगर सही टाइम पर मैं वहां पर नहीं होता तो मेरी वाइफ पता नहीं उसका क्या होता. एंड यू थैंक योर स्टार्स कि मेरी वाइफ के सामने रोकर आपने वो नो कंप्लेंट फॉर्म साइन करवा लिया. अदरवाइज मेरा मन तो कर रहा है कि दैट आई सू यू एंड योर रिसॉर्ट. आपकी जॉब ले लूं मैं, इस रिसॉर्ट का लाइसेंस कैंसिल करवा दूं. सो दैट्स ऑल. अरमान. सौम्या. गॉड सौम्या, तुम्हें होश आ गया. मैं तो घबरा ही गया था. तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं. पर क्या ठीक हो यार? डॉक्टर ने बोला तुम्हें पैनिक अटैक आ गया था और ये हाथ में स्प्रेन भी. डॉक्टर ने भी कहा कि तुम्हें वक्त लगेगा ठीक होने में. अरमान, I'm so sorry. मेरी वजह से हमारा हनीमून खराब हो गया. Come on. ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी तबीयत इंपॉर्टेंट है. You know what, इस थर्ड क्लास रिजॉर्ट में हम एक पल नहीं रहेंगे. अब आज रात को ही हम निकल रहे हैं यहाँ से. जी. मैं चेकआउट फॉर्मेलिटीज करके आता हूँ. ठीक है. ये सब क्या हो गया? या ग्रेट ग्रेट यू रीच्ड. वाओ. अमरीक आई कॉल यू बैक. रो मॉम डैड. अरमान सन, तुम लोग इतनी जल्दी रिटर्न कैसे आ गए? ऑल वेल है ना? और ये सौम्या को क्या हुआ? मॉम कुछ नहीं, जरा सी चोट आ गई और सौम्या वाज नॉट फीलिंग वेल तो हम आ गए वापस. एनीवे सौम्या तुम चलो कमरे में आराम करो. मैं कुछ पूछ रही हूँ क्या? बाद में बात करते हैं ना मॉम, अभी आए हैं. कम मैं तुम्हें रूम में ले चलता हूँ. मॉम, ब्रो का इतनी जल्दी हनीमून से वापस लौट के आना नॉट अ गुड साइन. सुषमा को भी लग रहा है कि कुछ तो रॉन्ग है. अमरीक का कॉल. सौम्या तुम आराम करो, मैं ऑफिस में कुछ कॉल्स करके आता हूँ. सॉरी. अच्छा, इस बारे में बाद में बात करते हैं. तुम रेस्ट करो. नहीं. आप सही थे अरमान, वो रिसॉर्ट का मैनेजर ही ठीक नहीं था. उसने मुझे अपने झूठे आंसू दिखाकर मुझे मैनिपुलेट कर वो नो कंप्लेंट फॉर्म पर साइन करवा ली. आप सही थे, वो रिसॉर्ट ही ठीक नहीं था, के लोग ही ठीक नहीं थे. यही होता है हमारे साथ. हम अच्छे बनकर उन्हें माफ कर देते हैं, उनकी उनकी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं और फिर वो केयरलेस हो जाते हैं. आप हमेशा की तरह आप सही थे और मैं गलत. आखिर क्या हैपन हुआ होगा हनीमून पर? दोनों इतनी जल्दी रिटर्न आ गए ना और कुछ टेल भी नहीं कर रहे. सुषमा को लग रहा है कुछ हाइड कर रहे हैं दोनों. सर अपना फेस तो देखो, कितना डल लग रहा है. और ये क्या, तुम्हें कुछ दिखता नहीं है? मूछें आ रही हैं तुम्हारी. अब इस एज में कौन रोज पार्लर जाता है? बात एज की नहीं है सुषमा, सोच की है. और गॉड नोज तुम्हारी सोच का लेवल बढ़ता ही नहीं है. और तुम्हारा पार्लर जाना सिर्फ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कैसी लगती हो, कैसी दिखती हो,
इससे मेरा स्टेटस पता चलता है। ये पता चलता है कि मैं तुम्हें प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहा हूं। सुषमा, औरतों का स्टेटस उनके लुक्स से ही डिसाइड होता है। वो कैसी दिखती हैं, कैसी लगती हैं, उससे ही उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। और क्या क्या करवाना होगा पार्लर में जाके? अब ये भी मैं ही बताऊं क्या क्या कर रहा है वहां जाकर? हर बेकार बात पूछने आ जाती हूं मुझसे, खुद समझ नहीं आती तुम्हें? सुषमा, कभी तो अपना ब्रेन इस्तेमाल करो। पर कैसे करोगे जब इस ब्रेन में कुछ है ही नहीं इसमें? आप एंग्री मत हो मुझे, आई विल डू, मैं सब कुछ अपने आप कर लूंगी। एक ब्यूटी के एक्सपर्ट हैं, आई नो, आई विल टॉक। आई एम वेरी सॉरी मैम। सौम्या, मैं पता है प्रॉब्लम क्या है। तुम एक मिडिल क्लास ऑर्डिनरी लड़की हो, तुम कभी ऐसे रिसॉर्ट में गई नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा कि 7-स्टार रिसॉर्ट्स में कैसा होता है। सौम्या, एक छोटी सी बात तो है, कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो। नहीं, अब मैं समझ गई हूँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। आगे से मैं कुछ भी आपको बिना पूछे नहीं करूंगी, हमेशा आपको पूछ कर करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके ओके, ठीक है, अब ऐसे रो क्यों रही है, वैसे रोना बंद करो। एग्जैक्टली, इतनी सी तो बात है, तुम जब मुझे पूछोगी तभी तो मैं तुम्हें गाइड कर पाऊंगा ना, कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस बस, सौम्या वर्मा, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर कॉन्सेप्ट हैज बीन चोज। माय कॉन्सेप्ट हैज बीन चोजन, कॉन्सेप्ट सेलेक्ट हो गया। टैलेंट के दम पे सौम्या वर्मा लिखा है यहाँ पर, ताकि इस वजह से कि तू मिसेस अरमान ओबरॉय है, इसलिए सिलेक्ट हुआ है क्योंकि तू सौम्या वर्मा है। सही कहा सौम्या ने, काबिलियत या टैलेंट किसी की बपौती नहीं है। पत्नी को अपना मुकाम पाने के लिए पति के सरनेम की जरूरत नहीं होती। सौम्या का सपना उसका अपना है और आज उसकी तरफ उसका पहला कदम बढ़ गया है, वो भी उसके अपने दम पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।